पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता रहा कि नहीं सर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे आप लोग ऐसा कैसे कर सकते। लेकिन उस समय जब आपने अर्चना से बात नहीं करने देना मुझे, उस पर मुझे विश्वास हो गया कि ये सब आपका किया हुआ है। आप सबको बता देता हूँ कि जब से अर्चना को मैंने देखा है ना, इस दिल से उसको प्यार किया था। लेकिन आज सबके सामने इसी वक्त इस प्यार की तिलांजलि देता हूँ। मानव के साथ बिता एक एक पल की छवि बसी है मेरे मन में। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। चलता हूँ मैं। चलो भाई। अरे पुलिस की इतनी मार पड़ने के बावजूद भी अकड़ नहीं गई इन लोगों की। इस बार तो मानव खुद आ गया हमारे घर पर तमाशा करने के लिए। लेकिन उसने फोन किया था, ये बात सच है। मैंने ही उसका फोन काट दिया था। अगर उस वक्त उसे बोलने दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये सब कुछ वहीनी की वजह से हुआ है। अर्चू, मंजू ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी और इस घर की भलाई के लिए किया है। बात इतनी सीधी रही है। अगर आप वहीनी के नजरिए से देखेंगे तो आपको कभी उनकी गलती दिखाई नहीं देगी। क्या कहना चाहती है तू कि मैं मंजू की तरफदारी कर रहा हूँ? उसके गलत होते हुए भी मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। अर्चू तू ही नहीं बल्कि घर के सब लोग जानते हैं कि जब भी मंजू ने गलती की है तो सबसे पहले मैंने उसे डांटा है और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है। लेकिन आज वो सही है इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं एक बात और बता दूं, मैं आज के बाद तेरे मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। अब तू जाने और तेरी किस्मत बस। अरे तू कहाँ जा रही है? मानव से मिलने। नहीं, आई मैं वहां जरूर जाऊंगी क्योंकि मैं जिंदगी भर मानव को इस गलत फहमी में रहते नहीं देख सकती। विश्वास कीजिए, मैंने सब कुछ नहीं किया, वो भी उस घर के लिए जिस घर के लोग मेरे अपने थे। खुद ही सोचिए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मानो ये लो, ये उस दर्द के लिए जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें दिया था, लगा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। मनोहर पन, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। दुनिया देखी है, दुनियादारी भी। अर्चना मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी। आज भी दिल से हमारे घर से वो जुड़ी हुई है। वो भला हमारा बुरा क्यों चाहेगी? बस मैं ये तसल्ली करना चाहता था और आपके चेहरे ने सारी सच्चाई बयां कर दी। मेरे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि ये सब अर्चना ने नहीं किया। मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। आज भी मैं अर्चना को मेरी बहू मानता हूँ। सचिन, पापा हमारी शादी की तारीख तय करने के बारे में सोच रहे हैं और उनका कहना है कि क्या कहना है तुम्हारे पापा का? शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाऊँ तो? हाँ तो ठीक है ना। हाँ सर, मैं सबसे बात करके आपको वापस फोन करता हूँ। थैंक यू सर। गिरीश सर का फोन था। सचिन और श्रावणी की शादी की तारीख पक्की कर दी उन्होंने। आप लोग से बात करना चाहते हैं। अरे उसमें बात क्या करनी है भाई? गिरीश जी जो तारीख तय करेंगे वो हमें मंजूर है। इसी बहाने इस घर में खुशियां तो आएगी। मानो तू तारीख बता, मैं निमंत्रण बुलाने की तैयारी करता हूँ। सुनो मेरी बात, उसमें करंजकर फैमिली का नाम नहीं होगा। अगर होगा, अगर होगा तो मैं बताती हूँ मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं और अपमान सहने की ताकत नहीं बची। इस बार बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना तो वो खुद जाएंगे निमंत्रण लेके, ना किसी और को भेजेंगे, है ना बाबा?